इस बार समय से पहले फूल खिल गए थे बुरांस के, तो जो कि आप जाके देखो इस प्रकार से होगी, देखो मुरझा गए हैं पूरी तरीके से, ये देखिए। बाकी कोई कोई फूल हैं यहाँ पर जो कि अभी सुंदर हैं, बाकी जहाँ पर जैसे कि ये हैं, बाकी यहाँ से मैंने कुछ इतने ही फूल लिए हैं अभी, ये देखिए इतने फूल निकाले हुए हैं जो कि कल काम आएंगे। बहुत खतरनाक है भाई, बिच्छू घास भी काफ़ी है यहाँ पर, जैसे हमारे इसमें कंडाले बोलते हैं। एक बार लग जाए ना भाई साहब 48 घंटे तक बिजली के करंट ही दौड़ेंगे आपके शरीर में। फिर इतना प्यारा फूल है भाई, तो आप किसी को देना है तो बता देना। बाकी यहाँ पर देखो कितने सारी चींटियाँ हैं इस पर, ओ माई गॉड काटने वाली है, काटने दे कहीं, इतना प्यारा लग रहा है। हेलो नमस्ते, वेलकम टू रोशन पहाड़ी 07। मैं हूं रोशन भंडारी और आप सभी को आज एक नई लोकेशन दिखाने की कोशिश है। बाकी मैं जा रहा हूं अभी बुरांस के जंगल में बुरांस के फूलों को लेने के लिए, क्योंकि आज है 13 मार्च 2024 और कल 14 मार्च 2024 की तैयारी है। कल है फूल देवी त्यौहार, जो कि जिसे देवभूमि उत्तराखंड में एक सुंदर तरीके से साथ में एक खुशी से मनाया जाता है। और ये है माना जाता है ये बच्चों का त्यौहार रहता है, जिसमें बच्चे फूल दे में अपने फूल खेलने जाते हैं साथ में। और अभी हम जा रहे हैं वहीं, बाकी हम अभी सड़क पे सड़क बाई सड़क चल रहे हैं जंगल की तरह। बाकी ये देखिए यहाँ से गाड़ियाँ भी काफ़ी चल रही हैं, सामने काम चल रहा है रोड का, जो कि एक साल पहले आपने मेरा ब्लॉग में देखा होगा कि पूरी तरीके से नीचे खेत बर्बाद हो गए थे यहाँ के कारण, तो वही यहाँ पर बनाए जा रहे हैं अभी। तो हमारे साथ जा रहे हैं कुछ भाई लोग, गाँव के ही हैं तो दोस्त भी कह सकते हैं। और अभी हम यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर दूर हैं सड़क, और उससे ऊपर फिर जंगल में चलेंगे, तो अभी निकल रहे हैं हम यहाँ से। बाकी यहाँ पर जो काम चल रहा है उसका मटेरियल है, और यहाँ पर देखो रहता है बाकी पत्थर हैं, तो यहाँ पर सड़क का फिर से पुनर्निर्माण कर रहे हैं, जो कि बरसात के मौसम में गिर गया था, जैसे खेतों का भी काफ़ी नुकसान हुआ था यहाँ से। अगर आपने मेरे पिछले ब्लॉग में नहीं देखा, ऊपर आई बटन में दे दूंगा। बाकी ये देखिए यहाँ पर चल रहा जी काम पूरा। हेलो जी, कहाँ से हो आप? हम नेपाल से। नेपाल से हो? अच्छा, देखो यहाँ पर नेपाल से आए हुए हैं यहाँ पर इतनी दूर, और यहाँ पर आप भाई भी नेपाल से हो? सब नेपाल से हैं देखिए। और अभी कितना दिन हो गया यहाँ पर काम करते हुए? 10-15 दिन हुआ। अच्छा, 10-15 दिन हुआ। इससे पहले कहाँ थे आप काम पे? अभी उपरेखाल। अच्छा, उपरेखाल थे। अभी कितना दिन लगेगा यहाँ पर काम करते हुए? लगेगा एक हफ्ता। एक हफ्ता लग जाएंगे ना। बाकी बढ़िया, खाना पीना खा लिया? खा लिया। तो ठीक है। और यहाँ पर देखिए काम चल रहा है, तो काफ़ी अच्छा बन रहा है यहाँ पर। आप जो कि पहले काफ़ी गिर गया था यहाँ पर, सड़क भी नहीं थी, अब जाके यहाँ पर पूरा निर्माण हो रहा है, तो जी ये है। बाकी अभी पहुँचने वाले हैं, आपको दिखाएंगे लाल लाल फूल वहाँ पर। कि मौसम की बात की जाए तो देखो इस साइड तो काले बादल लगे हुए हैं, थोड़ा सा बादलों के बीच से सूरज देवता भी अपने दर्शन दे रहे हैं। बाकी ये देखिए मौसम इस प्रकार से है, पूरे हल्के हल्के बादल लगे हुए हैं चारों तरफ देखिए, तो हो सकता है बारिश हो कल तक अगर ऐसी मौसम रहा तो। बाकी यहाँ से देखिए काफ़ी फूल उधर अभी दिखाएंगे आपको, मेलों के फूल और बुरांस के फूल काफ़ी सुंदर खिले हुए हैं आगे जो सामने देख पा रहे हो आप उस जंगल में। तो देखते हैं फूल मिलते नहीं मिलते, अभी काफ़ी बड़े बड़े पेड़ भी रहते हैं, चढ़ना भी काफ़ी मुश्किल होता है उन पेड़ों में, काफ़ी पुराने पेड़ रहते हो, तो देखते हैं क्या क्या होता है। चुके हैं देखो जंगल में, बाकी यहाँ पर सामने ही है, दिखाते हैं आपको बुरांस के फूल, काफ़ी बुरांस के फूल हो रखे भाई यहाँ पर। ये देखिए सामने यहाँ पर भी हैं एक पेड़ पे, बाकी एक पेड़ पे देखो वहाँ पर भाई जा रखे हैं, तो अभी दिखाते हैं आपको वहाँ पर किस प्रकार से यहाँ पर बुरांस के फूल, बाकी फ्योली के फूल, मेलों के फूल और आड़ू, ये सभी के फूल यहाँ पर हमें इकट्ठा करने हैं कल के लिए। तो अभी दिखाते हैं यहाँ जी,
आपको, ये हीरा भाई है अपना। राम राम जी। और बाकी दोनों भाई लोग यहाँ पर गए हुए हैं, ये देखिए यहाँ पर है जी। ये देखो बुरहास के फूलों से भरा हुआ पेड़। यहाँ पर देखो भाई लोग गए हैं ऊपर, और बुरहास के फूल देखिए जी कितने प्यारे हो रखे हैं, और काफ़ी फूल हो रखे हैं यहाँ पर। ये देखिए, तो ये देखिए कितने प्यारे फूल है भाई, और पूरे पेड़ में यहाँ पर फूल ही फूल है ऊपर। देखिए भाई मैं गिर गया था, बाकी यहाँ पर भी फूल हैं, और सामने एक पेड़ है, बाकी एक दो पेड़ ऊपर हैं सामने ऊपर। तो जी यहाँ पर हम, ये हैं फूल, तो काफ़ी फूल हैं जी यहाँ पर, और हमें यहाँ से लगभग 5-6 किलो समथिंग एक पर्सन के लिए बहुत हैं। और गांव हमारा काफ़ी बड़ा है, इसके साथ साथ में हमें प्यूली के फूल, म्यूली के फूल, आरू के फूल, और जो भी अन्य कोई फूल मिले सब यहाँ पर हमें। वैसे तो 52 प्रकार के फूल माने जाते हैं कि 52 प्रकार के फूल रखे जाए, बाकी देखते हैं आज कितने प्रकार के मिलते हैं, अभी तो पहला ही है। और साथ में प्यूली का भी मिल ही जाएगा, और साथ में ये आधे फूल तो मिल ही जाएंगे, 3-4 प्रकार के फूल मिल जाएंगे। बाकी अभी मैं फूल निकाल रहा हूँ, और भाई लोग देखो वहाँ से फूल निकाल रहे हैं जी। ये देखो दोनों भाई गए हैं अपने पेड़ में, तो ये निकाल रहे अपने अपने लिए। बाकी मैं जाता हूँ ऊपर, ऊपर में भी हैं थोड़ा से फूल, वहाँ से मैं लेके आता हूँ, तो दिखाते हैं वहाँ पर ऊपर में है। ये जो ये ऊपर आया था मैं फूल लेने के लिए, तो उनमें कीड़े लगे हैं पूरे, फूल ख़राब हो गए ना। अब नीचे चलते हैं गधेरे की तरफ, वहाँ पर काफ़ी अच्छे फूल मिलने के चांसेस हैं, बाकी उन पर पूरे कीड़े लगे हुए हैं। नीचे दिखाते हैं आपको जी, चलते हैं नीचे। देखिए जी यहाँ पर म्यूलों के फूल काफ़ी प्यारे देखने को मिल रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए जी कितने प्यारे से फूल हैं। ये है म्यूलों के फूल, जिसे इन्हें भी ले जाएंगे हम अभी। देखो कितने प्यारे से लग रहे हैं ना, देखो काफ़ी सफ़ेद फूल हैं, तो काफ़ी प्यारे से लग रहे हैं। बाकी मुझे वहाँ पर जाना है नीचे, जो वहाँ पर नीचे गधेरे में एक बुरहास का फूल है, काफ़ी प्यारा फूल है, तो वहाँ पर चलते हैं। देखो ये है हंसला, क्योंकि कपड़ों पे बहुत तेज़ी से लगता भाई, इसके कांटे ना काफ़ी पकड़ रहती है इनके कांटों पे। बाकी ये देखो कितने प्यारे लग रहे भाई फूल, तो इन्हें भी ले जाएंगे अभी। बाकी यहाँ पर तो दूर हैं, तो इन्हें कट्टा ले रखा है, तो नीचे जाके दिखाते हैं आपको। और बाकी तो ये फूल देखो कितने प्यारे लग रहे हैं ना, काफ़ी प्यारे लग रहे हैं। तो मुझे फूल काफ़ी पसंद रहते हैं, मतलब काफ़ी पसंद है मुझे फूल, और मुझे मतलब गुलाब और बुरहास और ऐसे म्यूलू सफ़ेद तरीके से, एक आता है येलो कलर में, जैसे ये होता है उसका एक नहीं होता, मतलब येलो कलर में होता है वो फूल ना, फ्यूली का फूल बहुत ही प्यारा लगता है, तो ये फूल मुझे काफ़ी प्यारा लगता है। आपको भी दिखाते हैं अभी फ्यूली का फूल। बाकी मुझे वहाँ पर जाना है जहाँ पर देख पा रहे हो गए आप नीचे गधेरे में, अभी यहाँ से दिख नहीं पा रहा होगा, बाकी वहाँ पर पहुँच के बाद दिखाते हैं आपको। इतना ख़तरनाक जगह है, हमें जाना है नीचे। यहाँ पे देखो ये पहले गिर गया, देखो यहाँ पर भूस्खलन के कारण गिर गया है। बाकी ये इनका बांकड़ा का पाइप लाइन है यहाँ से, क्योंकि यहाँ से जाती है नीचे। बाकी ये यहाँ पर जाना है मुझे, जो सामने देख पा रहे होंगे आप, तो वहाँ पर चलते हैं। इस बार समय से पहले फूल खिल गए थे बुरहास के, तो जो कि आप जाके देखो इस प्रकार से होगी, देखो मुरझा गए हैं पूरी तरीके से, देखिए। बाकी कोई कोई फूल है यहाँ पर जो कि अभी सुंदर हैं, बाकी जहाँ पर जैसे कि ये हैं यहाँ पर देखिए, ये कितना प्यारा सा है देखिए, और ये तो ये देखिए जी कितना प्यारा फूल है भाई। तो आप किसी को देना है तो बता देना। बाकी यहाँ पर देखो कितने सारी चींटियाँ हैं इस पर, ओह माय गॉड, काटने वाली हैं, काटने दे कहीं, ये देखिए ये काट रहे भाई, कितने सारे हैं देखिए, इन्हें हटाता हूँ मैं पहले, तो भाई काट रहे सीधा, इस पे भी होगी क्या पता, इस पे नहीं है। बाकी मैं पहले पेड़ में चढ़ा जाता हूँ और फूल तोड़ता हूँ, उसके बाद मिलते हैं आपको। हाँ सर, मैंने कुछ इतने ही फूल लिए हैं अभी, ये देखिए इतने फूल निकाले हुए हैं जो कि कल काम आएंगे। बाकी इन्हें कट्टे में रखता हूँ, यहाँ पर मैंने कट्टा भी धार रखा है, और प्यार काफ़ी प्यारे फूल है भाई, ये देखिए। और कहीं कहीं ना लोग इनका जूस भी बनाते हैं, तो जूस बनाने के भी काम आते हैं,
जैसे गैरसैंण साइड तो लोग इन्हें जूस बनाते हैं, तो गर्मियों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है, काफ़ी मज़ा आता है इसकी जूस पीने में। यहाँ पर गैरसैंण में शायद चीनी भी अपनी होनी चाहिए और ये ब्रास होना चाहिए, बाकी वहाँ पर शायद 100 या 150 का बोतल मिलता है बना के। फूल हो चुके हैं आधा कट्टा ब्रास के, बाकी इसमें म्यूलो के, फेली के और आड़ू के और भी फूल इसमें ऐड करेंगे, अभी आगे चल के दिखाएंगे आपको। यहाँ से चलते हैं, देखो मैं किसी जगह में आ रखा हूँ, देखो चारों तरफ के नज़ारे देखिए, इस प्रकार के नज़ारे पे आ रखा हूँ मैं, काफ़ी ड्रावनी जगह है यहाँ पर। बाकी चलते हैं यहाँ से ऊपर, म्यूलू के फूल भी मिल चुके हैं यहाँ पर, तो इन्हें भी ऐड करते हैं साथ में और फिर प्योली के फूल दिखाते हैं आपको आगे। वो प्योली के फूल होते हैं पानी वाली जगहों पर, जैसे जहाँ पर पानी होगा वहाँ पर होते हैं, देखिए तो इसे ऐड कर लेते हैं साथ में। और काफ़ी फूल और के थे यहाँ पर, नज़दीक भी थे तो इन्हें भी ऐड कर देते हैं जी हैं, तो पूरा हो जाएगा फिर। यहाँ से मैंने इतने ब्रास के फूल लिए थे, आपको दिखाते हैं, ये थे ब्रास के फूल इतने, ये देखिए मतलब बाहर से देखा जाए तो इतने ब्रास के फूल थे इतने, ठीक है। और बाकी यहाँ से ऐड करते हैं तो मिलते हैं आपको। हो गए हैं देखिए, इसमें डाल दिए मैंने, ये कुछ इस प्रकार से फूल हो गए हैं, बाकी कंप्लीट हो गए हैं। बाकी वहाँ से फ्योली का फूल लेते हैं आगे, दिखाते हैं आपको कहाँ पर से ज़रूरत है फ्योली का फूल का, जो कि यहाँ पर है। देखो अभी दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ पर से नहीं दिखा, बाकी यहाँ पर तो बहुत ख़तरनाक है भाई, बिच्छू घास भी काफ़ी है यहाँ पर, जैसे हमारे इसमें कंडाले बोलते हैं, एक बार लग जाए ना भाई साहब 48 घंटे तक बिजली के करंट ही दौड़ेंगे आपके शरीर में, फिर इतनी ख़तरनाक लगती है। बाकी यहाँ पर ये है जी फ्यूली का फूल, इतने प्यारे लग रहे हैं, बिल्कुल हेल्दी कलर में। तो मैं यहाँ से इन्हें ले जाता हूँ कुछ, देखो यहाँ से ये देखिए जी कितना प्यारा लग रहा है। फ्यूली के फूल यहाँ पर भी हैं, इन्हें भी ले लेते हैं एक मिनट, जो कि इन्हें भी ले लेते जी। तो ये होते हैं सिर्फ पानी वाले जगहों पर, जहाँ पर पानी रहता है, जैसे कि यहाँ पर गदेरा है तो इस हिसाब से यहाँ पर होते हैं। ये देखिए जी कितने प्यारे लग रहे हैं, तो काफ़ी सुंदर फूल होते हैं, मेरे फेवरेट रहते हैं। शूली कलर येलो कलर मेरा फेवरेट है जी, तो मुझे काफ़ी प्यारा लगता है ये फूल, ये देखिए काफ़ी सुंदर है। बाकी ऊपर पर भी है तो ऊपर से लेके आते हैं देखिए। और ये है यहाँ पर गेहूँ की खेती है इनकी, ये दूसरे गांवों की तरफ आ रखे हम। बाकी यहाँ पर देखो कितना प्यारा है जी, ये देखिए, ये देखिए कितना प्यारा फूल है, फूल भी टीप लिए हैं मैंने, ये देखिए। और ये भी हो गए कंप्लीट, बाकी देखते हैं घर से। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट पर, और अपने अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं दोस्तों ये कल फूल देई के ब्लॉग में, तो आप ज़रूर देखना फूल देई का ब्लॉग, अपने गांव में सभी गांव वालों को दिखाऊंगा और गांव में किस प्रकार से फूल देई को खेलते हैं, किस प्रकार से बच्चे लोग उसे इंजॉय करते हैं, कैसे इसे सेलिब्रेट करते हैं, तो आप सभी को देखने से अपने गाँव के सभी रीति रिवाज परम्परा के सभी चीज़ें दिखाऊँगा आपको। तो बाय बाय मेरे दोस्त।